आज हम करेंगे बीटेक फर्स्ट ईयर का सेकंड टॉपिक, दैट इज़ वेरिफिकेशन ऑफ लैग्रांजेस थ्योरम। तो वेरिफिकेशन ऑफ, लास्ट में जो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लैग्रांजेस थ्योरम एंड इट्स ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, और अभी हम करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ लैग्रांजेस थ्योरम। सो टॉपिक इज़ वेरिफिकेशन ऑफ लैग्रांजेस थ्योरम। तो इसको जो वेरिफिकेशन है हम एग्जाम्पल के भी हाफ पे करेंगे, जिसमें आपको एग्जाम्पल दी गई है, verify the function f of x equals to x cube minus 3x square plus of 2x by using Lagrange's theorem in interval 0 or 1/2। सो अभी हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले वो चीज़ लिखेंगे जो हमें गिवन है। तो हमने यहाँ पे लिखा है गिवन हमें क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल मीन्स कि कोई ऐसा एक्सप्रेशन जो x की डिफरेंट पावर्स प्लस कॉन्स्टेंट्स को लेके बने, उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। हाँ, और हमारे पास एक रिजल्ट होता है, एवरी पॉलिनोमियल इज अ रियल वैल्यूड एंड कंटिन्यूस फंक्शन। कि जो हमारे पास एक जो पॉलिनोमियल होती है, उसका हमें ये पता है कि जो हर एक पॉलिनोमियल वो क्या होती है, रियल वैल्यूड होती है और कंटिन्यूस होती है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। तो हम लिख देंगे कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज अ कंटिन्यूस इन द इंटरवल 0 1/2। और अगर हमें यहाँ पे मैथमेटिकल वे से जाना हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये यहाँ पे जैसे मैं ये फंक्शन किया मैंने एफ ऑफ एक्स, अगर 0 से लेके 1/2 के बिटवीन जितनी भी वैल्यूज हम फंक्शन में फिल करें तो हमारे पास हर केस में फाइनाइट वैल्यू आएगी। मीन्स कोई ऐसी वैल्यू हमारे पास नहीं आएगी जिसका ग्राफ पे जो प्लॉट करना जिसको डिफिकल्ट हो, जो है इनफाइनाइट वैल्यू नहीं आएगी। हर केस में पास फाइनाइट वैल्यू आएगी और उन फाइनाइट के कलेक्शन पॉइंट्स को लेके हम क्या बनेंगे, ग्राफ बना सकते हैं एफ ऑफ एक्स, जहाँ जो कहीं पे भी ब्रेक नहीं होगा। तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा फंक्शन क्या एक कंटिन्यूस फंक्शन है। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है कि फंक्शन आपका कंटिन्यूस होना चाहिए, वो हमारी सेटिस्फाई हो चुकी है। तो हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। और अभी यहाँ पे हम सेकंड कंडीशन करेंगे, जैसे एफ डैश एक्स वो हमें क्या आएगा, डेरिवेटिव करेंगे इसका तो ये आएगा 3x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने पे -6x प्लस ऑफ 2। तो ये भी हमारे पास क्या एक पॉलिनोमियल है, मीन्स एफ डैश एक्स इज आल्सो पॉलिनोमियल। एवरी पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूस होता है, आपको पता है एवरी पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूस। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या आ गया, एफ डैश एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, एफ डैश एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। और हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, इज डिफरेंशिएबल। सो हम बोल सकते हैं एफ डैश एक्स इज डिफरेंशिएबल। ये था इसका, हम बोल सकते हैं ये ऐसा ज्योमेट्रिकल मीनिंग के अपना है, मैथमेटिकल बेस में हम बोल सकते हैं कि जैसे अगर ये पॉइंट का डेरिवेटिव हम निकालते हैं तो डेरिवेटिव में आपके पास जो फंक्शन है वो क्या आ जाएगा बच्चे, कंटी आपके पास डिफरेंशिएबल आ जाएगा। डिफरेंशिएबल होगा तो आपके पास जो एफ डैश एक्स डिफरेंशिएबल आएगा तो एफ ऑफ एक्स भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा। और डिफरेंशिएबल के यहाँ पे हम दो मीनिंग निकाल सकते हैं, एक तो हम निकाल सकते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग, एक हम निकाल सकते हैं यहाँ पे मैथमेटिकल मीनिंग। मैथमेटिकल मीनिंग के अकॉर्डिंग क्या होगा कि फंक्शन जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे अगर 0 और 1/2 के बिटवीन कोई भी वैल्यू फिल करते हैं तो एक कंटिन्यूस ग्राफ बन रहा है। कंटिन्यूस ग्राफ बन रहा है इट मीन्स कि वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है। कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है कि डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है। और अगर हम बात करें हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग के अकॉर्डिंग क्या होगा कि फंक्शन का अगर 0 और 1/2 के बिटवीन कोई ग्राफ बनता है, जो हमें गिवन फंक्शन का ग्राफ बनता है, तो 0 और 1/2 के बिटवीन किसी भी वैल्यू पर हम उसका क्या कर सकते हैं, टेंजेंट ड्रॉ उसके कर सकते हैं फंक्शन के ऊपर। ये तो इसकी दो कंडीशन। और
ये दो कंडीशन यहाँ पे लिख देंगे कि एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाई बोथ कंडीशंस ऑफ लैग्रांजिस थ्योरम सो देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर सी, कोई रियल नंबर सी आएगा एक्स का, बिलोंग करेगा 0 और 1/2 के बिटवीन, सच डैट रिजल्ट क्या होता है, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ओ बी माइनस एफ ओ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। जैसे इंटरवल हमें 0 और 1/2 गिवन है तो यहाँ पे हमारे पास 0 ए की वैल्यू होगी, बी की वैल्यू 1/2 होगी, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, एफ डैश सी विच इम्प्लाइज एफ 1/2 माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 1/2 माइनस 0। तो अभी यहाँ पे हम वैल्यूज जो है फंक्शन की सब्सिट्यूट करेंगे, एफ डैश सी था इस साइड, इधर बोला था एफ ऑफ 1/2 निकालना, भी हमने मीन्स 1/2 फिल करना है, तो आएगा 1/2 का क्यूब माइनस 3 × 1/2 का स्केयर प्लस 2 × 1/2, ये था एफ ऑफ बी माइनस यहाँ पे एफ ऑफ 0 मीन्स 0 क्यूब माइनस 3 × 0 स्केयर प्लस 2 × 0 डिवाइडेड बाई 1/2 आ गया। तो इसको हम एफ डैश सी कर दिए इसको एज इट इज़, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1/8 माइनस 3/4 प्लस 1, कैलकुलेट करने पे इधर आ गया मल्टीप्लाई करके 2, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, तो एफ डैश सी विच इम्प्लाइज यहाँ पे एलसीएम लेंगे 8 आ जाएगा, तो आ गया 1 − 2 = 6 आ गया प्लस 8 मल्टीप्लाई 2, इसको कैंसिल करके हम यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 4, तो ये आएगा एफ डैश सी विच इज़ इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ इक्वल्स टू 3/4। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं, तो यहाँ पे एफ डैश सी हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो है हमारे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास है 3 × 3x² माइनस 6x + 2, तो यहाँ पे हमें एफ डैश सी है एक्स की जगह पे, तो मैं यहाँ पे सी फिल करूँगी वैल्यू, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 3c² माइनस 6c प्लस ऑफ 2 विच इज इक्वल टू 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी आएगा 12c² माइनस 24c प्लस ऑफ 8, यहाँ पे 3 इधर आ जाएगा तो ये इधर 0 बच जाएगा, 12c² माइनस 24c प्लस ऑफ 5, तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक आ गई इक्वेशन, विच इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ टाइप ax² प्लस bx प्लस ऑफ c। तो मेरे को यहाँ पे वैल्यूज़ के क्या निकालने पड़ेंगे, रूट्स निकालने पड़ेंगे, तो यहाँ पे मैं डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगाऊंगी, माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 × a अप्लाई करके। कंपेयर करने पे देखें तो ये मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी 12, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 24 और c की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5, मैं यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दूँगी तो आएगा मेरे पास 24 प्लस माइनस 24 का स्क्वायर माइनस 4 a और c डिवाइडेड बाय 2 × 12, तो यहाँ पे 24 प्लस माइनस 576 माइनस 240, आप इसको खुद से कैलकुलेट कर लेना, मैंने यहाँ पे इस पर डायरेक्टली लिख दिया कि कैलकुलेशन की आएगी, 24 प्लस माइनस आ जाएगी यहाँ पे 336 डिवाइडेड बाई 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 24 प्लस माइनस का स्क्वायर रूट निकालने का आ जाएगा 4√21 डिवाइडेड बाई 24, तो मैं 24 को अलग अलग लिख दूँगी एक बार इसके नीचे एक बार इस टर्म के नीचे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + √21/6। यहाँ पे जो c की वैल्यूज मेरे पास आएंगी, एक आएगी 1 + √21/6, एक मेरे पास आएगी 1 − √21/6। स्टूडेंट जब आप इसको टर्म को कैलकुलेट करोगे, ये वाई है 1 + something, इट मीन्स कि ये वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगी, तो जबकि हमें इंटरवल 0 और 1/2 दिया है, मीन्स कि 1 तक तो पहुँचने नहीं चाहिए वैल्यू, तो इसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे या निगलेक्ट कर देंगे, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ये सारा कैलकुलेट करने पर आएगा आपके पास 0.26, खुद से आप इसको सॉल्व कर देना, तो आपने लिख दिया सी इज इक्वल्स टू जो है 0.26 विच लाइज बिटवीन 0 और 1/2, तो आपने क्या करना, वेरीफाइड, ये आपने लैग्रांजिस थ्योरम को वेरीफाई कर दिया। मैं आपको उसको दोबारा से एक बार रिपीट करके बता देती हूँ, दोबारा से आपको वेरीफाई करवा के दे देते हैं, वेरीफाई द फंक्शन दिस बाय यूजिंग लैग्रांजिस थ्योरम, तो इस फंक्शन को वेरीफाई करने के लिए ये फंक्शन सबसे पहले रियल वैल्यूड होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे बताया कि गिवन हमें ये है जो कि एक पॉलिनोमियल है, और हर एक जो पॉलिनोमियल वो क्या होती है, रियल वैल्यूड होती है प्लस कंटिन्यूस भी होती है, तो इसने रियल वैल्यूड के साथ साथ ही आपकी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करवा दिया कि आपका फंक्शन रियल वैल्यूड भी है कंटिन्यूस भी है, तो आप बोल सकते हैं आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस इन द इंटरवल दिस,
और मैथमेटिकल वे के अकॉर्डिंग अगर ये यहाँ से इन दोनों वैल्यूज़ के बिटवीन कोई भी वैल्यू फंक्शन में फिल करते हैं तो हर बार हमें एक फाइनाइट वैल्यू मिल रही है जिसका जो ग्राफ बनाना ईजी है, और एक ये ग्राफ है कंटिन्यूस वे में चलेगा तो आप बोलोगे फंक्शन का कंटिन्यूस है। और अगर डिफरेंशिएबल की बात करें तो फंक्शन का डेरिवेटिव भी जो डिफरेंट आपका वो है बोल सकते हैं कि वो भी पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल कंटिन्यूस होती है, कंटिन्यूस फंक्शन एक जो है डिफरेंशिएबल होता है तो फंक्शन आप लिख दीजिए डिफरेंशिएबल है। और इसका अगर हम बोलें ज्योमेट्रिकल मीनिंग के अकॉर्डिंग तो फंक्शन का जो भी ग्राफ बनेगा उसके पॉइंट के हर एक उसके एक्स के हर एक पॉइंट पर हम उसका एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और आपने लिख दिया फंक्शन कंटिन्यूस है डिफरेंशिएबल है तो इसने दोनों जो कंडीशन सेटिस्फाई करवा दी हैं लैग्रांजेस थ्योरम की, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो रिजल्ट आता है एफ डेस सी विच इज इक्वल टू एफ ओ बी माइनस एफ ओ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। और मैंने यहाँ पे जो है सब्सिट्यूट करी मैंने यहाँ पे 1/2 बी की वैल्यू और ए की वैल्यू 0, उसके अकॉर्डिंग मैं जब उसको सॉल्व करती आ रही हूँ तो मेरे पास 3/4 आ गया। एफ डैश एक्स की वैल्यू ये थी, हमें यहाँ पे एफ डैश सी गिवन है तो एक्स की जगह मैंने सी फिल कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास सारा जो कैलकुलेट करने पे एक हमारे पास सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने इसको इसके साथ कंपेयर किया, कंपेयर किया करने के बाद मैंने इसके रूट्स निकालने तो मैं जो रूट्स है वो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले से निकालूंगी। वैल्यू सब्सिट्यूट करी मैंने तो मेरे पास सी की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक आ रही है 1+ में √21/6, एक आ रही है 1- में √21/6। जब मैं प्लस को कैलकुलेट कर रही हूँ प्लस वाली जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं 1 से ज़्यादा जा रही है तो उसको मैं रिजेक्ट कर दूँगी क्योंकि वो इंटरवल के बिटवीन नहीं आएगा। नेगेटिव वैल्यू करने पे 0.26 आ रहा है जो मेरे सी की वैल्यू जो इंटरवल में लाई कर रही है, तो आप लिख देंगे यहाँ पे जो हमारी थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है। ओके स्टूडेंट, ये था आपका आज का वीडियो लेक्चर।